गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 22 मई 2018 और मंगलवार का दिन है। जीवन सहज कैसे रहे, घर में सहजता कैसे रहे, बरकत कैसे रहे, बचत कैसे हो। सोमवार और पुष्य नक्षत्र के दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 106 दिन करें। शाम प्रदोष काल में पुरानी चांदी के सिक्के और उनके साथ कौड़ी रख दीजिए, हल्दी और केसर से कुमकुम करिए, तिलक लगाइए, सरदार पंच बाजार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, गाय के घी का दीप, ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की सात माला जाप करिए, लगातार 106 दिन करिए और उसके बाद पीले कपड़े में ये सिक्के और कौड़ी बांध कर तिजोरी में रख दीजिए। बहुत अच्छी पूजा है और इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 22 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, दवा काम नहीं कर रही हो और डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही हो, इस उपाय का सहारा लीजिए। हर बुधवार को नहाने के जन्म में थोड़े से चावल, हल्का गाय का गोबर, कमल के फूल, चंदन, थोड़ा सा सर डालकर भगवान गणपति का ध्यान करते ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते स्नान करिए, बड़ा लाभदायक रहेगा। कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए हर बुधवार को श्रद्धानुसार गाय का दूध कंजकों को दान देने से भी कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। एक कदम आगे चलते हैं और ये कदम है ग्रह नक्षत्रों की दुनिया का। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, बात करते हैं मंगलवार की राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। इस राशि वालों, प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर थोड़ा सा समय सावधानी का जरूर है, लेकिन मुश्किल से घंटे भर के बाद धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा। ग्रह गोचर आपके अनुकूल होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान सम्मान और अधिकार बढ़ेंगे, अपने कुशल व्यवहार से आप संपूर्ण कार्य पूरे करेंगे और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और मन संतुष्ट होगा। क्या करें, व्यापारिक सफलता के लिए थोड़ा सा और अधिक प्रयासरत रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अपने वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ना मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, किसी के भी भावनाओं का अपमान नहीं करें, ध्यान रखें, वरिष्ठ जनों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का ख्याल रखें, खान पान के प्रति नियमित रहें, कर्जा नहीं बढ़े इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक तो गोचर थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहा है, छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार चावल का दान दीजिएगा, कष्ट कम आएंगे। क्या करें, कोई साझेदारी का कार्य है तो सतर्कता बरतें, क्या न करें, अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं
मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर की बात करूं, सितारों की बात करूं, सितारे आज संकेत दे रहे हैं कि समय आपके अनुकूल है और सितारों की चाल अनुकूल होने से समय पूर्ण रूप से आपको अनुकूल फल प्रदान करेगा और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क लाभप्रद साबित होंगे। क्या करें, इच्छित और महत्वपूर्ण कार्य करने का दिन है, इसमें हाथ जरूर डालें। क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूँ, लेकिन उससे पहले मंगलवार का राहु काल और मंगलवार की याद रखें। मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन या कमोडिटी के कोई सौदा करना उचित और अनुकूल माना नहीं गया। ये सलाह मेरी, मर्जी आपकी है। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा आज के दिन कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ मानी गई। मेरे साथियों, मेरे मित्रों और मेरे अपनों, समय और साधनों के बदलाव को देखते हुए मेरी सलाह हमेशा रहती, आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मंगलवार के दिन यात्रा करने से पूर्व नित्यक्रम नियो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाइए, संकट मोचन हनुमान अष्ट का एक पाठ करिए, श्रद्धानुसार गुड़ का भोग लगाइए और गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मैं राहु काल और यात्रा की चर्चा रोज करता हूँ, ये भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है, बांटने आता हूँ। आपको भ्रम में डालना और दबाव में लाना ये मेरा विषय नहीं रहा है, मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा करने से आपको लाभ मिले ये मंत्र में मेरा इतना ही है। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, सितारों की चाल उत्तम है, कारोबार के क्षेत्र में विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, देश विदेश की यात्रा सुखद होगी, धन लाभ होगा, दूरस्थ मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें, निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य में हाथ ना डालें। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर यह कह रहा है कि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने का सुअवसर मिलेगा, आज आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा, संत सानिध्य मिलेगा, सत्पुरुषों का संगत मिलेगी, सद्विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, अपनों का पूर्ण सहयोग और सुख प्राप्त होगा और धन भी मिलेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र की स्थिति मध्यम है, इसलिए मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां बनने से धन की चिंता है, लेकिन ये पूरी हो जाएगी, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बना के रखें। क्या ना करें, यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहे, ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों, कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यथित कर सकती है और स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा, अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी बहुत अपेक्षित है। आज कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन प्राप्त नहीं होगा, सुबह से लेकर शाम तक गोचर सावधानी का थोड़ा सा धैर्य से काम करें, छोटा सा उपाय, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शा बुधाय नम, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, श्रद्धानुसार हरा पालक किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को अपने हाथ से दान में दीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, बुजुर्गों और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, व्यवसायिक पूंजी निवेश आज न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। कर्क सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तुशला और आज का सुझाव। वास्तुशला में संकेत है कि उत्तर दिशा रसोई घर के लिए अशुभ मानी गई है, कहते हैं कि यदि उत्तर दिशा में रसोई घर है तो आर्थिक नुकसान देता है। इसका मुख्य कारण, उत्तर दिशा का जो स्वामी वो कुबेर का स्थान है और रसोई घर होने से अग्नि धन को जलाने में समर्थ होगी, इसलिए उत्तर दिशा में रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं आग्नेय कोण में बनाना बड़ा शुभ माना गया है। नमन। और बात करते हैं मंगलवार के सुझाव की। आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन 12 के 12 राशि के लोगों के प्रयासों के बावजूद यदि कार्य सफलता नहीं मिले तो प्रातःकाल नित्यक्रम नियो स्नान उपरांत
पीले रुमाल में 11 पीली कौड़ियाँ बांधकर अपने पर 7 बार उसारी, पोटली बना दी और ये पोटली किचन के ईशान कोण में लटका दे, अवश्य आपके लिए ठीक रहेगा। नमो नारायण। हर बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, मन की अभिलाषा पूरी होगी, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, कारोबार के क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का अवसर मिलेगा और शुभ कार्य की योजना बनेगी। भाई बंधु और मित्रों से मेल और मिलाप बढ़ेगा, कुटुंब परिवार का सहयोग बना रहेगा और सारा दिन आमोद और प्रमोद में बीतेगा। क्या करें, व्यवसाय में नई सोच का प्रवेश करिए, नई टेक्नोलॉजी को साथ लीजिए, अधिक सफलता मिलेगी। क्या ना करें, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें मेरे मित्र। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह गोचर की अनुकूलता से समय शुभ नजर आ रहा है और ये समय आपको लाभ देने में समर्थ है, सफलता देने में समर्थ है, शुभ फलों को देने में समर्थ है। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक संबंधों से सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। मामूली प्रयास से भी कार्य सफल होंगे और किसी शुभ कार्य की योजना भी बनेगी। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, क्योंकि गोचर बड़ा अच्छा है, तो कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हो, करिए, दिन बड़ा शुभ है। क्या ना करें, बहुत जरूरी है आज पूंजी निवेश नहीं करें, कोई आर्थिक बदलाव नहीं करें। ना मना। और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि वालों, गोचर यह संकेत दे रहा है कि परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धनराशि वालों, आज नौकरी में अनुकूलता रहेगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके निर्णय की सराहना होगी और लेन देन भी आपके निपट जाएंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी है और पारिवारिक जिम्मेदारियों में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि धन की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन यदि आप सहज बने रहे, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमात्मा में विश्वास किया, थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखा, तो निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, इससे आपको सुख भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास आज बहुत जरूरी है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, कोई भी लापरवाही नहीं करें, चाहे यात्रा हो, चाहे कारोबार हो, चाहे स्वास्थ्य हो। न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले उपाय, अद्भुत देसी नुस्खा और मुद्राओं की चर्चा कर लेता हूं। उपाय, यदि आपने अपना नया काम शुरू किया और कार्य में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, किसी भी गुरुपुष नक्षत्र दिन अपने पूजा स्थान में शुद्ध 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर 11 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ियाँ, 11 साबुत सुपारी, 11 एक एक रुपये के सिक्के रख दिए। सदापुर अपने इष्ट देवता जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए। कौड़ियों पर कुमकुम और केसर का तिलक लगाई, शुद्ध आसन में बैठ जाइए, ओम श्री श्री नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत लाल वस्त्र की पोटली बना दे और अंदर में कहीं ऊंचाई पर लटका दे। देखिए यह उपाय बड़ा बड़ा ही लाभकारी है। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। हकलाट यानी बोलने में रुकावट हो रही, एक गिलास दूध में 2 छुआरे उबाल लीजिए, हल्का ठंडे होने पर छुआरे को खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए। यह प्रयोग रोज सोते समय करें और इसके 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। ऐसा करने से तुतलाने और हकलाने की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा देना। नमो नारायण। और बात करते हैं मुद्राओं की। यदि बुखार आ रहा हो और डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, दवा काम नहीं कर, अपान वायु मुद्रा यानी मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के जड़ में, अनामिका और मध्यमा के ऊपर अंगूठा, इसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन, अपान वायु मुद्रा। 48 मिनट इस उपाय से बहुत से बीमारियों का निवारण होता है, इसका अभ्यास करिए। लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना नहीं भूलें, ये तो मुद्राओं के साथ साथ डॉक्टर से भी सलाह ले लें, लेकिन ये मुद्रा बड़ी अद्भुत मानी गई है। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूल होते हैं, नजर आ नहीं रही आज।
सितारों की चाल अनुकूल होती हुई नजर नहीं आ रही शाम 4 बजे तक। शाम 4 बजे भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा, बेवजह कलह की संभावना है। कारोबार के क्षेत्र में भागदौड़ और परिश्रम लगा रहेगा और यात्रा से मानसिक और शारीरिक तनाव भी है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। मकर राशि वालों थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेकिन शाम 4 बजे के बाद धीरे धीरे गोचर में परिवर्तन आएगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौता करिए, क्या न करें, किसी को भी कर्ज न दें नमोनारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि ग्रह गोचर की उत्तम दृष्टि से पुरुषार्थ से व्यवसाय में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बंधुओं का सहयोग कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होगा, पास पड़ोस से भी संबंध सुधरेंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें, नए टेंडर ऑर्डर को स्वीकार करें, क्या न करें, भाई बंधुओं को सहयोग से इनकार न करें नमोनारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों गोचर ये कह रहा है कि परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी, परिजनों का पूर्ण सहयोग संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। हाँ, कार्य व्यवसाय में सचेत रहना बहुत जरूरी, बाकी परेशानी कहीं नजर नहीं आ रही। धार्मिक अनुष्ठान का भी अवसर मिलेगा भाई, क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय न करें नमोनारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि ये मेरा अनुभव है और ला देने का मेरा स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन ले लेना मेरे मित्र नमोनारायण। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कैसे हनुमान जी को मनाएं पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम नमोनारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि आपको अनावश्यक विघ्नों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, सारे विघ्न सारी दुर्घटनाएं आकस्मिक दुर्घटनाओं का निवारण हो जाता है हनुमान जी की पूजा। अब हनुमान जी की पूजा कैसे करें, तो आज के दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करिए। वस्त्र धारण करने पर मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुने हुए चने हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन में बैठे ओम राम भक्ताय नमो इस मंत्र की 11 वाला जाप, एक पाठ राम रक्षा स्त्रोत का करें। पूजा के उपरांत समस्त पूजन सामग्री गरीब कन्याओं में बांट दें, देखिए समस्याओं का निवारण कैसे होता है नमोनारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र की। धुंडे धुन अपनी धुन पराई धुन में पाप निपुण, मनुष्य को हमेशा अपनी मस्ती में रहना, और पर निंदा जीती जी नरक है, इस निंदा के नरक से आपको हमेशा बचना चाहिए। और अगर कोई आपकी निंदा करे तो वो याद राखी सूत्र कि निंदनगिरे राखे आंगन कुटी छवाए, कोई आपकी निंदा करे उसे शांति से सहन करें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल रहा है। तुम्हें अपनी गलतियां या आप दूसरों की निंदा मत करिए, लेकिन कोई दूसरे आपकी निंदा करे तो उसको सहन करिए, क्योंकि यही आपके लिए अमृत का द्वार है, स्वर का द्वार। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत से जैसे, क्योंकि जैसे ही किसने तुम्हारी निंदा करी हो तुम आपा से बाहर हो गए, इसका मतलब यह वो जीत गया और तुम हार गए। एक बात और याद रखना भाई, निंदा भी उसी की होती जो जिंदा होता है, जो कुछ करता है, अपनी निंदा से मत घबराइए। हाँ, उसे कुछ सीखने का कोशिश जरूर करिएगा नमोनारायण। समय छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा नमोनारायण। नमोनारायण, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ये समय है मेरे प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम नमोनारायण।
हरिओं तत्सत् जय शनिदेवा 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 नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन के, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय बुधवार का राशि पर गणपति को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण।